कंटक से है। नर्मदा मंदिर के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है। आने वाले भक्तों को ड्रेस कोड का पालन करना बहुत अनिवार्य है। पहनावे के लिए अब मंदिर प्रबंधन सख्ती बरतता हुआ। मंदिर की गरिमा बनाए रखने की पुजारियों की तरफ से भी अपील की गई है। मंदिर के साइन बोर्ड पर पहनावे के नियम लिखे गए हैं और न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। स्थलों में जहाँ पे जाएं तो मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र, मर्यादित परिधान और संस्कार को लेकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश करें, धार्मिक परिवेश को लेकर के ग्रहण करें। माता नर्मदा के दरबार में आ पाए हैं और ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश परिधान का अपमान है। इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, आप गलत मानसिकता प्रभाव पड़ता है। लोग देखते हैं क्या कहेंगे, कहेंगे आपको बुरा लगे कि, लेकिन आपको निर्लज्ज होकर के बताइए हमारे मंदिर में। दक्षिण के जितने भी प्रतिष्ठित देवस्थानम हैं वहाँ पर सब में गणवेश का विशेष ध्यान दिया जाता है। वही परंपरा इस प्राचीन नर्मदा उद्गम मंदिर का है, जो दक्षिण की परंपरा से ही निर्मित है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रतिष्ठित देवस्थानम है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि मंदिर में माताएँ एवं सभी पुरुष वर्ग भी गणवेश का विशेष ध्यान रखें और मंदिर के अनुकूल वस्त्र पहन के आएँ, तभी वो दर्शन के योग्य माने जाएंगे। अन्यथा मंदिर के अंदर प्रवेश ऐसे वस्त्रों में न करें जो प्रमाणित नहीं है, जो मंदिर के पूजन के लिए नहीं है। और अब हरदा से अगली बड़ी खबर है, जहां मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा बरपा है। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को पीटा है। एम्बुलेंस देर से आने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे परिजन। नाराज अस्पताल प्रबंधन ने भी दूसरी तरफ काम बंद कर दिया। देर रात की तस्वीरें आप देखिए, पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट चलती रही। तस्वीरें आप देखिए, पुलिसकर्मी लगातार झड़प को सुलझाने की कोशिश करते हुए लेकिन परिजन नहीं माने, नाराजगी जाहिर कर रहे थे और उसके बाद अंततः अस्पताल प्रबंधन को काम बंद करना पड़ा। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा पुलिस की तरफ से हुआ है। तीन युवतियां सहित तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दो महीने पहले गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चाकू दिखाकर युवक से मोबाइल लूटा गया था, नकदी भी इनके निशाने पर रहती थी, नकदी को भी लूटते थे। रुद्री थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, दो महिलाओं समेत तीन आरोपी गिरफ्तार।